मोनू कल कमाल हो गया जीतोस में। कल मुझे एक बंदी मिली जो ना मुझ में इंटरेस्टेड थी। तुमने उसे गिरफ्तार किया था क्या? सरता रही हो, वो कोई चोरा चक्की नहीं थी, वो ना एक बड़ी स्पेशल बंदी थी। उसे देख के लगा कि इससे बात बन सकती है। अच्छा? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो दुविधा टाइप है। हाँ, नहीं नहीं, दुविधा भी नहीं कह सकते उसे। वो कहेंगे ना, वो रास्ते में एक अजीब मोड़ टाइप कुछ। नहीं नहीं, अजीब भी नहीं कह सकते, क्योंकि मोड़ अजीब थोड़ा ना होता है। जल्दी बता क्या हुआ। वो समझती है कि मैं तू। मैं तू हूँ? नहीं, तू मैं हूँ। और मैं तू हूँ? नहीं, तू तू ही है। तो हम दोनों मैं हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ। वो रजत है ना, उसने पता नहीं जाके उसे क्या कहानी सुना दी, और फिर वो एकदम से एक्साइटेड हो गई। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। एक मिनट, वो सुमित वाले का नाम सुन के एक्साइटेड हो गई? वही तो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। कह रही थी कि लोग पता नहीं सुमित वालिया के बारे में बातें करते रहते अक्सर। लेकिन इतना सुना होगा तो उसे ये भी पता होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा सा तड़का डाल दिया। मैंने उसे कह दिया कि माया 3 महीने पहले ना टपक गई। टपका दिया। क्या करता भाई, और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन फिक्र मत कर, माया जब हॉस्पिटल में थी ना, तो तू दिन रात उसके साथ था। उसे इतने प्यार से संभाला तूने आखिरी सांस तक। शुक्र है तुम दोनों का कोई बच्चा नहीं था। हाँ, मुझे लगा कि वो सौतेली माँ बनने के लिए तैयार नहीं है ना। सारे झूठ। लेकिन परेशान क्यों हो रहा है, पर्सनली मत ले इस चीज को। मैं तू, याद है ना। सुनने के बच्चे, जब सब सामने आएगा ना तो ये तमाचे पढ़ने तुझे। जानता हूँ, पर क्या करता। उस वक्त उस लड़की को देख के लगा कि लाइफ में ऐसे अच्छी बंदी मिलने वाली नहीं है तुझे सोनू, इसलिए आज झूठ को चलने दो, जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ सच सच बता दूंगा। वैसे सुमित वालिया ने उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाया। अरे अच्छा, छा गया भाई तू, छा गया। लाइफ में पहली बार मैंने अफेयर किया और मैं वहां पे था भी नहीं। क्या कर रहा है यार, तेरी नताशा मेरे ऑफिस गिफ्ट भेजे जा रही है। ये देख क्या लिखा है, एक नए प्यार की शुरुआत सुमित वालिया के साथ, तुम्हारी नताशा। अगर मेरी माया को तुम्हारी नताशा के बारे में पता चल गया तो। थैंक यू, और अब चल भाग यहां से। अच्छा, केक का एक पीस दे देना। नहीं, मेरा है। अरे यार, मेरा हक बनता है ना। चलना अभी भाग यहां से। नताशा, ये मेरे भाई रजनीश। ओ हाँ, रजनीश दिस साइड। और रजनीश मेरे बड़े भाई, ये नताशा। रजनीश, फाइनली इट्स सो गुड टू मीट यू। यू नो, सुमित दिन भर तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है कि तुम कितने नेक पुलिस ऑफिसर हो, कि तुम एक अच्छे ऑफिसर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड नाउ आई नो व्हाट ही मींस। अच्छा, कितनी बड़ाई करता है। तो उसने ये भी बताया होगा कि पिछले 7 साल से मैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अटका हुआ हूं। निठल्ला कहीं का मैं। वो इसलिए क्योंकि रजनीश कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है ना। रजनीश बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, तो कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करता। He's a good पुलिस ऑफिसर। सुमित ने तो ये भी बताया कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ था। ओ हाँ, वो क्या है कि मैं जो रजनीश हूँ वो थोड़ा सा बेवकूफ हूँ। वो आपने सुना होगा ना, आ बैल मुझे मार। तो मैंने एक्चुअली बैल को आने दिया और अपने पिछवाड़े पर मारने दिया। पिछवाड़ा नहीं, ऊपरी जांग पे लगी थी ना है? नहीं, पिछवाड़ा, वो भी बीचों बीच। लेकिन मेरा जो भाई है सुमित, आज की डेट में वो कुछ है। नहीं नहीं, सुमित तो बस मैच खत्म होने के बाद क्रिकेटरों से बस फालतू के सवाल पूछता रहता है, गधों की तरह। नहीं, सुमित तो स्टार है। स्टार नहीं, स्टार रजनीश है, सुपरस्टार।
हमारे मोहल्ले में सनी देओल और धर्म पाजी का कॉम्बो पैक। यकीन नहीं आता तुम दोनों पर। नहीं, मतलब दो भाइयों में इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट। वाओ, जरूर तुम दोनों के माँ बाप बहुत ही सेंसिबल है, इसलिए तुम दोनों को इतनी अच्छी वैल्यूज दिए। हाँ, हमारे मम्मी जी पापा जी वर्ल्ड में वन पीस है। See, I knew it. Anyways, I'm getting really late. It was so good to meet you, Rajneesh. Nice to meet you. अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। तुम तो सुबह से घर पे हो। हाँ, वो रजनीश की मेरे ऑफिस के बाहर ड्यूटी थी तो वो लेता आया। थैंक यू। सुमित, मैं वो केक का एक पीस ले सकता हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मेरा भाई सुमित ना मुझे कभी ना नहीं कहता। ओह गॉड रजनीश, तुम भी ऐसे सुमित की तरह खाते हो? हाँ, हम दोनों भाई ऐसे खाते बिल्कुल बेवकूफ लगते हैं। So sweet. पर मुझे बहुत देरी हो रही है। It's such a pleasure meeting you. Bye, Sumit. 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 Bye. Bye. I'll see you later. Yeah. Bye. Bye. See ya. Bye. मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका देना। तूने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि तू तू है और मैं हूँ। यार देख, मैं ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा हूँ। पहले ना मैं रजनीश के बारे में उससे तारीफें करूँगा, फिर उसके बारे में मैं इतना बड़ा चढ़ा के उसे बताऊँगा कि एक दिन नताशा खुद मेरे पास आएगी और बोलेगी, सुमित तुम अपने बड़े भाई रजनीश की तरह क्यों नहीं बन सकते? और फिर बड़ा मैं ही मेरा बड़ा भाई रजनीश हूँ। तेरा केस ना एक हफ्ते तक न्यूज चैनल्स पर चलेगा। बुरा फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा। साइको कहीं का। स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ यार। माया को पता चल जाएगा, वो सीधे डिवोर्स दे देगी। बता दूंगा मैं। साइको, 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 बहुत बड़ा साइको। वैसे वो काफी खूबसूरत है। तू अगर सुमित होता ना तो तुझे वो कभी नहीं मिलती। तेरा नाम सुमित नहीं होता तो वो तुझे भी कभी नहीं मिलती। वैसे हम दोनों ही होते तो इस लेवल की बंदी हमें देखती भी नहीं। लेकिन दोनों भाई साथ हो जाएं, टोटे से भी टोटी लड़की पट सकती। सुमित और रजनीश एक साथ मिलके बन जाते हैं दिल्ली का सबसे बड़ा रोमियो सुजनीश। सुजनीश। बम 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 बारा बिली बिली बम बे बम 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 बे ओ बम 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 बारा बम 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 bam 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 bam